गुड मॉर्निंग स्मार्ट लर्नर्स, वेलकम टू योर वर्चुअल क्लास ऑफ इंग्लिश। स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर बुक्स। टुडे वी विल डू 10th चैप्टर ऑफ योर रीडर बुक ऑन पेज नंबर 53, साराज फर्स्ट एयरप्लेन ट्रिप। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, टेल मी, हाउ डू यू फील व्हेन यू गो फॉर अ ट्रिप? जब आप ट्रिप पर जाते हैं आप कैसा फील करते हैं? वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश होते हैं। खुश होते हैं ना? और अगर वो ट्रिप एयर ट्रिप हो, आप प्लेन से कहीं पर जाए, तब कैसा फील करेंगे? मोर एक्साइटेड, मोर हैप्पी। प्लेन सबने देखा है, स्काई में उड़ता हुआ। बड़े बड़े विंग्स होते हैं, टेल होती है, ये कॉकपिट जहां पर पायलट बैठकर प्लेन को फ्लाई करता है। देखा है ना सबने स्काई में? सबको अच्छा लगता है प्लेन पे जाना। आज जो हमारी स्टोरी है बच्चे, एक गर्ल की है, सारा। ये उसकी फर्स्ट एयरप्लेन ट्रिप है। ये स्टोरी किसके बारे में है? सारा के बारे में, जो पहली बार प्लेन से कहीं पर जा रही है। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। ओके, चलिए लेट्स रीड द स्टोरी। We will read the chapter, but first of all students, we will do a warm-up activity. Which of the following is not a part of an airplane? Here are pictures. अब ये देखिए pictures बनी हुई हैं। इनमें से कौन सा part ऐसा है जो कि airplane का नहीं है? Okay? अब हम देखेंगे wings, ये तो airplane के हैं। Tail, ये भी airplane की है। कॉकपिट, ये मैंने बताया था ना, कॉकपिट जहां पर पायलट बैठता है और एरोप्लेन फ्लाई करता है, तो ये भी पार्ट है एयरप्लेन का। और ये क्या है लास्ट में? बीक, ये तो किसी बर्ड की बीक है, तो ये तो एयरप्लेन का पार्ट नहीं है। सो वी विल क्रॉस इट लाइक दिस। ओके स्टूडेंट्स, here are the new words of the chapter. First word is trip, T-R-I-P, trip. Trip means a journey, yatra. Second word is boarding, B-O-A-R-D-I-N-G, boarding, going inside a ship और प्लेन, किसी शिप में या फिर किसी प्लेन के अंदर जाना। अबॉर्ड, ए बी ओ ए आर डी, अबॉर्ड, इन और ऑन प्लेन और शिप, किसी प्लेन पर चढ़ना या फिर किसी शिप पर जाना। बकल्स, बी यू सी के एल E-S, buckles, ties और connect belt, belt को बांधना। Whisper, W-H-I-S-P-E-R, whisper, to talk slowly and privately, धीरे धीरे बिल्कुल privately बात करना। Okay? Now students, I will read the chapter and also explain the story. You will also read with me, so put finger on every word of the chapter. This story is written by Archana Sharma, an Indian writer. Okay, let's start. Sara is going on a trip. Sara ek trip par ja rahi hai. She and her mother have packed their bags. उसकी मदर ने और उसने, दोनों ने मिलकर अपने बैग्स पैक कर लिए। They take a taxi to the airport. अब उन्होंने एयरपोर्ट जाने के लिए एक टैक्सी ले ली है। It's my first plane trip, she tells the taxi driver. सारा ने टैक्सी ड्राइवर को बताया कि ये उसकी फर्स्ट प्लेन ट्रिप है, वो पहली बार प्लेन से जा रही है। That's great, the taxi driver says.
टैक्सी ड्राइवर ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। दे कलेक्ट देयर बोर्डिंग पास। अब उन्होंने क्या किया, अपने बोर्डिंग पास लिए। बोर्डिंग पास क्या होता है, एक ऐसा पास होता है बच्चे जिसके ऊपर आपका सीट नंबर, फ्लाइट नंबर और आप कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रहे हैं वो लिखा होता है, गेट नंबर लिखा होता है, सारी इंफॉर्मेशन होती है आपकी ट्रिप की। ओके, एन एक्सरे मशीन चेक्स देयर बैग्स। और जब वो एयरपोर्ट पर गए तो उनके बैग्स को एक एक्सरे मशीन ने चेक किया। बैग्स को एक मशीन के थ्रू चेक किया जाता है कि उसमें कुछ गलत सामान ना हो, ठीक है। एट लास्ट इट्स द टाइम टू बोर्ड द प्लेन। और इसके बाद क्या टाइम आ गया कि अब वो प्लेन में एंटर हो सकते हैं। ओके, सारा रोल्स हर लिटिल बैग ऑन टू द प्लेन। जैसे ही वो प्लेन में चढ़ते हैं, सारा अपने बैग्स को प्लेन में रखती है। इट्स माय फर्स्ट प्लेन ट्रिप, शी टेल्स द एयर होस्टेस। वो एयर होस्टेस को भी बोलती है कि ये मेरी पहली प्लेन ट्रिप है। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, इसीलिए वो सबको बता रही है। एयर होस्टेस कौन होती है बच्चे, जो प्लेन में हमारी हर चीज़ों का ध्यान रखती है, जो भी हमें चाहिए वो हमें देती है। वेलकम अबॉर्ड, शी सेज विद अ स्माइल। और एयर होस्टेस स्माइल के साथ क्या बोलती है, उनका वेलकम करती है कि वो प्लेन में आए हैं, इसलिए वो उनका वेलकम करती है। सारा फाइंड्स हर सीट एंड बकल्स हर सीट बेल्ट। सारा प्लेन में जाने के बाद अपनी सीट को ढूंढती है और सीट पर बैठने के बाद अपनी सीट बेल्ट को टाइट करती है। आप जब कार में बैठते हैं आप सीट बेल्ट लगाते हैं ना, ऐसे ही जब हम प्लेन में बैठते हैं बच्चे तो वहाँ पर भी सीट बेल्ट होती है, हमें उसे बहुत टाइट अच्छे से बांधना होता है। द प्लेन्स इंजन्स रंबल एंड रॉयर। जब वो सीट बेल्ट को टाइट कर लेती है तो वो रेडी हो जाती है। और फिर क्या होता है, जो प्लेन का इंजन होता है वो चलने लगता है। और कैसी आवाज करता है, रंबल मीन्स गड़गड़ाहट की आवाज करता है। ओके, सारा ओपन्स हर लिटिल बैग। सारा फिर क्या करती है, अपने एक छोटे से बैग को खोलती है एंड पुल्स आउट हर टेडी। और उसमें से क्या बाहर निकालती है, एक टेडी बियर। इट्स माई फर्स्ट प्लेन ट्रिप, शी विस्पर्स। विस्पर्स मीन्स धीरे से, प्राइवेटली किसी के साथ कुछ बात करनी। वो धीरे से टेडी को क्या बोलती है कि ये मेरी पहली प्लेन ट्रिप है। वो बहुत एक्साइटेड है, इसीलिए वो सबको बता रही है। शी होल्ड्स द टेडी टाइटली। और वो टेडी को बहुत बहुत कसकर पकड़ लेती है। द प्लेन रन्स फास्टर एंड फास्टर। प्लेन बहुत तेजी से उड़ता जाता है। वुश, कैसी आवाज आती है, वुश। इट टेक्स ऑफ, वो ऊपर उड़ जाता है। फ्रॉम सारास विंडो द कार्स एंड हाउसेस लुक लाइक टॉयज। सारा की विंडो से, जो जहाँ पे सारा बैठी होती है ना, वो जो प्लेन की विंडो होती है, वहां से कैसे दिख रहे थे कार्स और हाउसेस, बहुत छोटे छोटे टॉयज की तरह। सारा स्माइल्स, सारा हंसती है। गेस व्हाट टेडी, शी सेज फ्लाइंग इज फन। वो टेडी से क्या कहती है, गेस करो कि कैसा फील हो रहा है, फन, मजा आ रहा है। वो क्या बोलती है टेडी को, फ्लाइंग इज फन, उड़ने में बहुत मजा आता है। वो बहुत एक्साइटेड है और बहुत खुश है और वो ये बात अपने टेडी को बताती है। अच्छी लगी ना स्टोरी, हम्म। नाउ फन जॉन कॉर्नर ऑन पेज नंबर 57। देयर आर मेनली थ्री मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लैंड, एयर एंड वाटर। स्टूडेंट्स, अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ट्रेवल करना है, या फिर सामान, कुछ भी सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, कुछ व्हीकल्स का यूज़ करते हैं, जैसे बस, ट्रेन, स्कूटर, कार, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, शिप, ऐसे यूज़ करते हैं ना।
उन्हें हम क्या बोलते हैं? यातायात के साधन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कितने टाइप के होते हैं ये? थ्री टाइप के, लैंड, एयर एंड वाटर। नाउ आई विल शो यू सम एग्जांपल्स। दीज आर लैंड ट्रांसपोर्ट। ये क्या है बच्चे? एग्जांपल्स किसके हैं? लैंड ट्रांसपोर्ट के, जीप, कार, बस, स्कूटर, ट्रेन, ये सब लैंड पर चलते हैं, तो ये लैंड ट्रांसपोर्ट है। अब ये देखिए वाटर ट्रांसपोर्ट, शिप, बड़े बड़े ये देखिए जहाज होते हैं ना, बोट, ये सब क्या है? पानी पर चलते हैं। सो दीज आर वाटर ट्रांसपोर्ट। ये देखिए दीज आर एग्जांपल ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, ये क्या है? ये कहाँ चलते हैं? ऊपर स्काई में, तो ये क्या है? एयर ट्रांसपोर्ट। ओके, नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल मेक अ स्क्रैप बुक शोइंग दीज डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आप एक स्क्रैप बुक लेंगे जिस पर डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो होते हैं, लैंड, एयर और वाटर, उनकी पिक्चर्स पेस्ट करेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू लेबल द पिक्चर्स, और नीचे आप उनके नेम भी मेंशन करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? यू कैन पेस्ट पिक्चर्स लाइक दिस। ये देखिए मैंने चार्ट लिया है और चार्ट पर मैंने पिक्चर्स पेस्ट किए हैं, एयर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। यू कैन ऑल्सो डू लाइक दिस एंड शो मी। स्टूडेंट्स योर एडवाइजरी वर्क इज लर्न द स्पेलिंग्स ऑफ दीज न्यू वर्ड्स एंड राइट देम इन योर इंग्लिश नोटबुक। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।